गर्मी के मौसम में इस जीरा का स्वाद आ रहा है। इसमें जो केमिकल डाला हो रहता है वो नहीं है, सादा है, पेट के लिए रामबाण है। आप इस तरह के बना के यूज कर सकते हैं, पाचन का काम करेगा। थैंक यू। गर्मी का मौसम आ गया है और मैंने एक वीडियो में ये पीने की सलाह दी थी, क्योंकि मैं इसकी भी आदि हो गई हूँ। जब भी हमें प्यास लगता है तो ऐसा लगता है कि इसी को पिए, तो हमने सोचा कि एक इसकी रेसिपी बना दें। ये प्रोडक्ट हम अपने घर पर ही तैयार करें, क्योंकि बाज़ार से पीना तो हानिकारक तो है ही, लेकिन आप लोग पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी भी वीडियो को देखिए, मैं भी कुछ तैयारी के साथ आई हूँ। मैंने इस तरह बनाने की कोशिश की है घर पर ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा का फ्लेवर देखी तो मैंने जीरा ली है, दूसरा काला नमक है, तीसरा गोलकी, चौथा नींबू, जो मैंने अपने घर पर ही छिलके का प्रयोग किया है। ये मैंने अचार नींबू का लगा कर उसका छिलका रस निकाल ली थी और उसका छिलका को नमक में डाल कर रख दिया था। तो हमारे पास हमेशा इस तरह का नींबू, और आप चाहे तो बाज़ार का ताज़ा नींबू से भी बना सकते हैं, प्लस वाइट नमक। मैंने जैसा कि देख रहे हैं आप, कड़ी पत्ता और पुदीना, अदरक और एक गिलास ली है। चलिए अब बनाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ पाचन का काम करता है और हमारे पेट के गैस को भी दूर करेगा। मैंने मोमदस्ता ली है और इसमें अदरक डालकर इसे कूट ले रही हूँ। इस तरह आप लोग अदरक को कूट ले। और इसे गिलास में डाल दें, पुदीना के पत्ते को भी कुच ले। और ये कड़ी पत्ता है, इसे भी साथ में। और इस तरह से गिलास में आप इसे डाल दें। गिलास में पानी भरना है, पूरा एक गिलास, और इसमें ये सारी चीजें ऐड करना है, जैसे कि काला नमक, गोलकी पाउडर पेपर, और ये वाइट पाउडर, और जीरा फ्लेवर है, इसलिए मैंने जीरा को पहले से भून कर रखी है, उसे ही यूज कर रही हूँ। कच्चा जीरा यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्वाद भुना हुआ ही जीरा का इसमें आता है। और इसे अच्छा तरह से चला देना है। इस नींबू को, जैसे कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में से मैं काट तोड़ ले रही हूँ, या आप जिसे भी चाहे काट सकते हैं, क्योंकि ये अचार है इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा और पाचन का भी काम करेगा। इस तरह से इसको डाल करके और आप इसे एक घंटा के लिए छोड़ दीजिए।
उसके बाद फिर हम इसको यूज करके आपको बताएंगे। तो आपको ये वीडियो जरूरी पसंद आएगा। एक चलनी लेना है और इसमें इसे एक घंटा बाद छान दीजिए। आप इसे दोबारा इसमें जैसे कि माल है तो आप बना ही सकते हैं, इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। और सुविधा के लिए मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो इन सब चीजों को मिक्सी में ही पीस ले और डाल सकते हैं। यह हमारा जीरा वाला शरबत तैयार हो गया है। संगीता रेसिपी को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को इस तरह का वीडियो शेयर करते रहूंगी।